सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति और उसके नियंत्रण के लिए हो रहे कार्य पर चर्चा की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आमजन को हर हाल में इस संक्रमण से बचाना है, इसीलिए शासन स्तर पर विभिन्न कार्यों का निरंतर अनुश्रवण आवश्यक है। प्रतिदिन रोग नियंत्रण की समीक्षा की जा रही है। राज्य के सभी जिलों में रोग नियंत्रण कार्यों की सतत समीक्षा हो रही है। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना पर नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मंत्रीगण को आवश्यक दायित्व सौंपे हैं। प्रत्येक मंत्री को उनके कार्यों में सहयोग के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को भी संबद्ध किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ राज्य में फैली महामारी कोरोना के कार्य पर चर्चा की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आमजन को हर हाल में इस संक्रमण से बचाना है, इसीलिए शासन स्तर पर विभिन्न कार्यों का निरंतर अनुश्रवण आवश्यक है। प्रतिदिन रोग नियंत्रण की समीक्षा की जाए, जानकारी लें। सभी मंत्रीगण अपने अपने एरिया में जानकारी लें। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना का पर नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मंत्रीगण को आवश्यक दायित्व सौंपे जा रहे हैं। प्रत्येक मंत्री को उनके कार्यों में सहयोग के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को भी संबद्ध किया गया है। आज मैंने अपने सभी मंत्रियों को काम का बंटवारा किया है। मंत्री के नाते श्री नरोत्तम मिश्रा जी गृह और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग देखेंगे। तुलसी सिलावट जी जल संसाधन का काम संभालेंगे। कमल पटेल जी कृषि और किसान कल्याण विभाग संभालेंगे। गोविंद सिंह राजपूत जी सहकारिता और फूड एंड सिविल सप्लाई के कार्य को देखेंगे। मीना सिंह जी आदिम जाति कल्याण विभाग का दायित्व संभालेंगी। अभी जो विभागों का बंटवारा हमने किया है वो कोविड-19 मतलब कोरोना को ध्यान में रखते हुए उसको नियंत्रित करने के लिए जितने विभाग जरूरी थे प्रमुखता से उनका बंटवारा किया है।